हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आप सभी का स्वागत करता हूँ यस पी सर क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हेलोरेंस के नेम रिएक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले नेम रिएक्शन आता है लुकास अभिक्रिया। लुकास अभिक्रिया क्या होगा और इससे क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जरा इधर देखिएगा। जब एल्कोहल की अभिक्रिया लुकास अभिकर्मक से सांद्र HCl प्लस ZnCl2 से कराई जाती है तो हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है, तो यह अभिक्रिया ल्यूकास अभिक्रिया कहलाता है। जैसे में देखेंगे, एल्कोहल प्लस HCl प्लस HCl जो होगा किसमें होगा, सांद्र में होगा। किसमें होगा, सांद्र में। और लुईस अम्ल ZnCl2 के उपस्थिति में मिलाने पर हमें प्राप्त क्या होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिक्रिया कहलाता है। अब देखेंगे कि प्राथमिक एल्कोहल के साथ जब सांद्र HCl और ZnCl2 को उपस्थिति में कराते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। तो जरा देखिएगा, जब हम एथिल एल्कोहल, एक ऐसा एल्कोहल है प्राथमिक एल्कोहल है, कितने डिग्री का एल्कोहल है, 1 डिग्री का एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, इसे बोलते हैं क्या, प्राथमिक एल्कोहल बोलते हैं। अब यह प्राथमिक एल्कोहल है, जब इसको सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं देता है, या कोई अभिक्रिया नहीं देता है, या कह सकते हैं कोई अवक्षेप नहीं देता है। तो जरा इसको देखिएगा, ठीक है, बातें क्लियर हुई नहीं। अब देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल से हमें क्या प्राप्त होता है, किससे, द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। अब जानेंगे द्वितीयक एल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिए जरा, द्वितीयक एल्कोहल CH3 CH CH3 OH, इसका रिएक्शन कराते हैं HCl ZnCl2 के उपस्थिति में। देखिए दोस्तों, द्वितीयक एल्कोहल से कैसे हेलोल्केन्स बनाते हैं, देखिए जरा। यह क्या है, 2-प्रोपेनॉल और सांद्र HCl है, किसके उपस्थिति में, लुईस अम्ल ZnCl2 के उपस्थिति में बनेगा क्या, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl प्लस क्या बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, H2O, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। देखिए जरा फिर से देखिएगा, प्रोपेनॉल में कितने डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल है, कितने डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल है, कितने डिग्री का एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल है। इसमें क्या मिलाया गया, सांद्र HCl मिलाया गया है, किसके उपस्थिति में, ZnCl2 के उपस्थिति में बनेगा क्या, 2 क्लोरो प्रोपेन बनेगा। क्लियर है? और देखेंगे यह जो बना है कितने समय बनेगा, 5 से 10 मिनट में, 5 से 10 मिनट लगता है इसको बनने में, कितने मिनट, 5 से 10 मिनट बनता है। और इसमें बनता क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बोलेंगे, या इसको सफेद अवक्षेप,
सफेद अवक्षेप, ठीक है, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? सफेद अवक्षेप क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे तृतीयक एल्कोहल में। इससे पहले आप क्या ले लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अब इसमें देखेंगे इसका क्रियाविधि कैसे बन रहा है, इसको देखेंगे क्रियाविधि में, इसको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब चलते हैं तृतीयक एल्कोहल में। अब चल रहे हैं किस पे? तृतीयक एल्कोहल में। तो तीसरा तृतीयक एल्कोहल में क्या होता है, इसमें क्या लेंगे, जरा इसको देखिएगा, CH3 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 OH, ये क्या है? तृतीयक एल्कोहल है, 3 डिग्री का एल्कोहल है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री एल्को, 3 डिग्री एल्कोहल। इसमें मिलाएंगे HCl किसके उपस्थिति में? लुईस अम्ल, लुईस अम्ल कौन सा लेंगे? ZnCl2। कौन सा लेंगे? ZnCl2। तो प्राप्त क्या होगा? CH3 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 Cl प्लस H2O। ये क्या प्राप्त हुआ? व्हाइट या सफेद सफेद अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ। कितने समय में प्राप्त हुआ है? यह तुरंत देता है, तुरंत, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगता है, यह तुरंत बन जाता है। जैसे मिलाएंगे 3 डिग्री के एल्कोहल में, जैसे HCl मिलाएंगे और ZnCl2, वैसे तुरंत ही क्या कर जाएगा, उत्पाद बन जाएगा, उत्पाद में तुरंत बनेगा, और उसमें क्या बनता है? सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं चलूंगा क्रिया विधि पर, इसके क्रिया विधि पर चलेंगे, ठीक है, हो गया होगा। चलिए अब दोस्तों हेडिंग बनाएंगे क्रिया विधि, क्रिया विधि, क्रिया विधि में जानेंगे कैसे बना होगा, इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। क्रिया विधि बोलिए चाहे स्पष्टीकरण बोलिएगा, ठीक है, चाहे इसको मैकेनिज्म बोलेंगे, तीनों नाम से यूपी बोर्ड में पूछ सकता है। तो इसके मैकेनिज्म चलते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा जरा इसको देखिएगा। 2 डिग्री के एल्कोहल ले रहे हैं क्योंकि 1 डिग्री से बनता नहीं है, CH3 CH CH3, यहाँ पे क्या लेंगे OH, ऑक्सीजन पे क्या होगा, 2 लोन पेयर होंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे ZnCl2 लेते हैं। ये जो ZnCl2 है कैसा व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। यह कैसा व्यवहार करता है? नाभिक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जो कक्षक होता है 4p कक्षक क्या होता है? खाली होता है। जो 4p कक्षक खाली होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, इसलिए कैसा व्यवहार करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, इलेक्ट्रॉन से स्नेह कर सकता है, ठीक है। तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा? जिंक को इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा जरा इसको देखिएगा, CH3 CH3 CH
जेड एन सी एल टू पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे एच ऑक्सीजन पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन किसको दिया जेड एन को दिया, और जेड एन पे माइनस आएगा ऐसा क्यों, क्योंकि यह दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया था और यह अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया, जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यह ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन दिया है जिंक को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक अपने पास रख के साझेदारी से क्या बनाया हुआ है सहसंयोजक आबंध बनाया हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया प्लस चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे जब प्लस चार्ज आएगा वैसे पर हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा खींचने की शक्ति विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन का होता है, उसके बाद ऑक्सीजन को होता है, जब किसी परमाणु पर प्लस चार्ज आ जाता है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है पहले से ज्यादा, जैसे उदासीन परमाणु है अगर उस पर प्लस आ जाए तो उदासीन से ज्यादा खींचने की शक्ति या कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाता है उस परमाणु का, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गया बढ़ गया, तो क्या करेगा यह वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा खींचेगा, क्योंकि यह दोनों समूह कैसा व्यवहार कर रहे हैं प्लस आई की तरह उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा ढकेलेगा, और इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब यह इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस, यह कार्बन ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, इस प्लस जब इस पे आएगा तो कितने डिग्री का कार्बधनायन बनेगा 2 डिग्री का कार्बधनायन, देख लेते हैं यहां पर, देखिए जरा इसको ध्यान से जरा समझेंगे क्या होगा CH3 और यहां पे क्या था प्लस था सॉरी यस था, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, कितने डिग्री का कार्बधनायन बना 2 डिग्री का कार्बधनायन, और यह क्या है प्लस आई समूह है, इलेक्ट्रॉन को किसको इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ढकेल रहा है यहाँ पे जो आबंध का जो इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ जा रहा है यह प्लस आई की तरफ व्यवहार कर रहा है, तो किसकी तरफ जाएगा यहाँ का आबंध कार्बन की तरफ जाएगा, क्यों क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ गया, यह जो सिंपल सा कार्बन होता था या उदासीन कार्बन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो प्लस वाला है कार्बन इसका क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए जो आबंध का इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ शिफ्ट होगा इस कार्बन प्लस की तरफ, और अस्थायित्व बढ़ता चला जाता है, और जरा देखिएगा क्या बनेगा प्लस जेड एन सी एल टू और क्या बन जाएगा ओ एच, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब जरा देखिएगा इसके आगे क्या बनेगा, ध्यान से जरा देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, अब इसमें क्या मिलाए थे HCl, HCl हमें क्या देता है H प्लस और Cl माइनस देता है, H प्लस और Cl माइनस देता है, या इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, इसका कक्षा अगर खाली होता है तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब हमें क्या देखिए सांद्र HCl ये थे, ये इस प्रकार से टूटेगा क्यों, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या होता है ज्यादा होता है, तो इस प्रकार से टूटेगा तो क्या मिलेगा Cl माइनस मिल जाएगा और H प्लस, Cl माइनस और H प्लस, जो Cl माइनस है किस पे इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों क्योंकि कार्बन कैसा व्यवहार कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, और यह क्लोरीन कैसा व्यवहार कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह, ठीक है तो इससे क्या कर जाएगा इस पे जाकर अटैक कर जाएगा तो क्या बनेगा CH3CH और यहां पे क्या आ जाएगा CH3, या इसको इस प्रकार से H यहां पे और Cl यहां पे दिखा देते हैं, क्लियर है, और यह H प्लस कहां अटैक कर जाएगा यहां से फिर तोड़ के कौन निकलेगा OH माइनस, OH माइनस और H प्लस क्या बना लेगा H2O, क्या बना लेगा प्लस H2O, इसको आप फाइनली कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसको अच्छे से देखने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 यहां पे क्या आ जाएगा Cl और प्लस क्या बन जाएगा
H2O क्या बन जाएगा, H2O। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ल्यूकास अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब चाहे आपका 3 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से होगा, स्पष्टीकरण या क्रियाविधि इस प्रकार से होगा। अगर जहाँ पे न समझ में आया होगा वहाँ पे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।